बाप रे बाप, क्या भीड़ था। उफ। आज पार्लर में बहुत भीड़ था। अरे आज ना बहुत थकन हो गया। मैं तो भी आज खाना नहीं परोस पाऊंगी। एक काम करती हूँ, मम्मी को बुला लेती हूँ, खाना परोस भी देंगे और खुद भी खाना खा लेंगे। मम्मी जी उठ जाइए ना, मैं खाना लेके आ गई हूँ, आ जाइए खाना खा लेंगे। मम्मी जी उठ जाइए ना आप, मैं खाना लेके आ गई हूँ, उठ जाइए। अरे बहू, अभी तो रात के 11:15 बज रहा है और अभी मुझे भूख नहीं है। तुम लोग खा लो बेटा। अरे मम्मी जी, नहीं खाएंगे तो नहीं खाएंगे, प्लीज आ जाइए ना, थोड़ा परोस देंगे हम लोगों को। आज बहुत थक गई हूं मैं, आ जाइए आ जाइए। पे सब कुशल है ना? छोटे बेटा कहाँ है? कुछ बात करना था। अरे सुनिए सुनिए, मैंने ना अभी आपको मम्मी को कुछ आपके छोटे भाई के साथ प्रॉपर्टी के बारे में कुछ कुशल पसल करके सुना।
इसमें नहीं घुसे तो अच्छा है। हाँ ठीक है। मम्मी को ही कर हेलो मम्मी, मैं बोल रही हूँ। मम्मी मेरे सास आए थे हमारे घर में, आपको पता है मेरी सास मेरी छोटी देवर को प्रॉपर्टी के बंटवारे के बारे में कुछ बात कर रही थी। आप कुछ बताओ ना मम्मी, क्या करूं? हाँ सही बात है, मैं हम लोग का फैमिली जो एडवोकेट है ना उनको बात करके पूछ लेती हूँ। ठीक है मम्मी। हाँ हाँ ठीक है, बाय मम्मी बाय। हाँ बाय। हेलो वकील साहब, मेरा एक काम आपको करना है। अच्छा 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 ठीक है, मैं आपको सब डिटेल्स दे देती हूँ। एक काम कीजिए, आपके जूनियर को भेज दीजिए, मैं उनके हाथ में 20,000 का चेक भेज दूंगी। और एक काम कीजिए, और काम हो जाने के बाद बाकी फीस आपके अकाउंट में ट्रांसफर करवा दूंगी। ठीक है ना? ठीक है हाँ ठीक है बाय। आज रात को ही सब काम करना पड़ेगा, नहीं तो कल तो मम्मी जी चले जाएंगे ना। आज रात को ही खत्म करती हूँ सब। मम्मी जी आप गांव कब जाएंगे? अरे आओ, और 2 दिन रुक जाइए ना, मेरे को बहुत अच्छा लगेगा। काली चले जाऊंगी। आप आइए आइए, डाइनिंग पे बैठ के कुछ बात करते हैं हम दोनों, आइए। चलो जाती हूँ। पैर का बहुत दर्द है। बैठो। मम्मी जी आपके इतना टेंशन किस लिए? हाँ बेटी, अभी तो सिर्फ इसी बात का ही टेंशन है कि आप में अपने जायदादों का बंटवारा कर दूं। नहीं नहीं मम्मी जी, अब रुक जाइए ना 2 दिन। गांव में जाके क्या करेंगे बोलिए ना, गांव में क्या है? आपका तो तबीयत अच्छा नहीं है, आपको रुकना ही पड़ेगा। हाँ 2 दिन रुक जाइए ना मम्मी। हाँ ठीक है, 2 दिन रहना तो पड़ेगा। अरे नहीं, ज्यादा दिन यहाँ रहकर कोई भी फायदा नहीं है। कल मझला बेटा और बहू गांव का घर में आ रहा है, आने से उनको भी बंटवारे के बारे में बता दूंगी। यहाँ बड़े बेटे को भी थोड़ा बता दूंगी और उन लोगों को भी बता देंगी। तो कल ही जाना पड़ेगा मुझसे। अभी जाती हूँ, नहा के आती हूँ थोड़ा।
आज रात को बुड्ढी को दूध के साथ नींद का टेबलेट देकर काम ही खत्म कर लेती हूँ, बुड्ढी के पास काम खत्म कर लेती हूँ, नहीं तो बुड्ढी पूरा देवल लोग को सब जमीन दे देगा। मम्मी जी आप थोड़ा दूध पी लीजिए, आपका तबीयत अच्छा नहीं है ना, अच्छा लगेगा दूध पीने से, पी लीजिए। हे गाइस, होप यू लाइक माय वीडियो। ये सिर्फ मेरा एक्टिंग था, इसे असल जिंदगी में इस्तेमाल मत कीजिएगा। सब गुरुजन, सब माँ बाप, सास ससुर, सब हमारा प्रिय है। आप जरूर मेरा चैनल पे लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। तो गुड नाइट, बाय बाय।